दोस्तों, ये वीडियो आपकी काफी बचत कराने वाला है, आपकी जेब से संबंधित है, तो मेरी रिक्वेस्ट सिंपल यही कि आप इस वीडियो को पूरा देखना और समझना कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में, जो जनरली यूज करा जाता है। ये टर्म आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, पहले था लेकिन आजकल ज्यादा प्रचलित हो गया है हमारे ऑनलाइन रिटेलर सेलर्स के कृपा के द्वारा। मतलब उनकी इतनी ज्यादा कृपा है कि ये नो कॉस्ट ईएमआई इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि बड़े बड़े अखबारों में बीच में लेके आता है नो कॉस्ट ईएमआई पे हम ये सामान बेच रहे हैं। तो असल में नो कॉस्ट ईएमआई जैसी कुछ चीज होती है कि नहीं, 0% इंटरेस्ट ऐसी कुछ चीज होती भी है कि नहीं, और भारत का रेगुलेशन या कानून उसमें क्या बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल, आप देख रहे हैं प्रसून की पॉकेट, और इस चैनल पर मैं जनरली फाइनेंस के वीडियोज लेके आता हूँ। बड़े ही आसान शब्दों में उसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो है नो कॉस्ट ईएमआई, या नो कॉस्ट ईएमआई ऐसी चीज कुछ होती भी है या नहीं। नो कॉस्ट ईएमआई जो है सबसे बड़ा टूल है कस्टमर्स को लुभाने के लिए, और सबसे बड़ा एक तरीके से माध्यम है कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। अब भारत का कानून इसके बारे में क्या कहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। 17 सितंबर 2013 यानी 17 सितंबर 2013 को आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था, और उसमें नो कॉस्ट ईएमआई या 0% ईएमआई या 0% इंटरेस्ट के बारे में कुछ बातें कही थी। वो क्या थी, ये 0% ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, और भारत में अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या बिना ब्याज के देगा, ऐसा नहीं कर सकता है, ये सर्कुलर में कहा गया था। उन्होंने समझाया था कि कस्टमर को जनरली उसकी प्राइस में या उसकी प्रोसेसिंग फीस में इस इंटरेस्ट के पोर्शन को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, यानी पहले से ही जोड़ दिया जाता है, और प्राइसिंग को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो चीज़ उसमें पहले से शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब से कोई दे रहा होता है, वो प्राइस में ऑलरेडी एम्बेडेड होती है, पहले से शामिल होती है। आरबीआई ने और एक बात कही थी कि फेयर प्रैक्टिस वही है जहां पर सेगमेंट और प्रोडक्ट के आधार पर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस ना बदले। ये एक फेयर प्रैक्टिस है कि पता लगे फ्रिज के लिए तो 14% का इंटरेस्ट है, पर मोबाइल के लिए 15% या 16% का, क्योंकि वो ज्यादा बिकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए, प्रोसेसिंग फीस भी सेम रहनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस या इंटरेस्ट कब बदल सकता है, जब कस्टमर की प्रोफाइल बदलेगी। कस्टमर की रिस्क ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, पर ऑनलाइन के केस में कस्टमर कौन है हमको मालूम नहीं चलता, तो वो स्टैंडर्ड सबके लिए सेम रहता है। ये एक आरबीआई का सर्कुलर था कि 0% ईएमआई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो आसान शब्दों में आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनरली आपने काफी सारा सेल अभी अभी कुछ ही दिन पहले सेल गई है, अब आती भी रहती है सेल, अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाओगे कि 10% आप कोई भी कार्ड पे छूट मिल जाएगी, एसबीआई कार्ड के छूट मिल जाएगी, इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा, इस तरीके से बड़े एक आपको ऑफर आते रहते हैं कोई भी कार्ड पे। स्टेट बैंक पे भी आता है, एचडीएफसी पे भी आता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पे भी आता है, आईसीआईसीआई पे भी आता है। तो ये बड़े सारे ऑफर आते रहते हैं कि 15% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये कार्ड से पेमेंट करोगे। तो अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 15% का डिस्काउंट मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, 15% का डिस्काउंट, और मैं मान लेता हूँ कोई मोबाइल लिया मैंने, उसकी कीमत है 15,000 रुपए। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहली चीज मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट का पोर्शन जो है प्राइस में ऑलरेडी शामिल होता है, प्राइस में ऑलरेडी शामिल होता है। तो दो ऑप्शन है, एक तो है आपके पास अपफ्रंट मैं सारा पैसा एक बार में पे कर दूं, दूसरा ऑप्शन है मैं ईएमआई पे लेता हूं, वही नो कॉस्ट वाली ईएमआई जो मैं इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अपफ्रंट में क्या होता है, तो वहां पे मुझे डायरेक्टली 15% की छूट मिल जाती है, यानी 15,000 के फोन में मुझे 2,250 रुपए कम हो जाते हैं, और मुझे मिल जाता है 12,750 रुपए का फोन डायरेक्टली, बात खत्म, उसमें ईएमआई का कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब आता है ईएमआई का सवाल, ईएमआई में क्या होता है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो जनरली आप एफएक्यू जो उनके क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मुझे ईएमआई पे डिस्काउंट मिलेगा, बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या करते हैं, वो आपको 15% का डिस्काउंट देते हैं, 12,750 की ही बिलिंग करेंगे वो आपको, पर क्या करेंगे, आपको ईएमआई में जो ईएमआई बनाएंगे उस पे वो इंटरेस्ट पहले से चार्ज होगा। अगर आप उस ईएमआई का टोटल करोगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू जो 15,000 रुपए की वैल्यू है वही आपको नजर आएगी वहां पे, और कुछ भी ऐसा कोई बदलाव होगा नहीं। तो जनरली कैमोफ्लेज रहता है उसकी वैल्यू में। तो यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया वो आपको मैंने बता दी है कि किस तरीके से वैल्यू उसमें शामिल रहती है। जब आप बिलिंग करोगे तो बिलिंग में जो ईएमआई होती है आपकी वो ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट शामिल होता है। कोई कोई क्रेडिट कार्ड वाले या फिर कार्ड वाले प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करते हैं आपकी फर्स्ट ईएमआई में। फर्स्ट ईएमआई अगर आप देखेंगे नॉर्मल से थोड़ी बढ़ के आती है 100, 200, 300 रुपए, तो वो इनकी प्रोसेसिंग फीस भी उसके ऊपर ऐड होती है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी पॉइंट क्या आता है आपके पास दिमाग में
कि जो फोन मुझे 12,750 का मिल गया तो वो मुझे 15,000 रुपए का क्यों लिखा गया था। ये आपने कभी सोचा है इस बात को? प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलती, मोबाइल के केस में पर्टिकुलरली। बाकी हर एक चीज लगभग बाजार में उपलब्ध है अगर आप निकलोगे तो, लेकिन हम लोग देखते नहीं है। हम लोग थोड़ा आलसी से हो गए हैं और बड़ा इजी समझते हैं कि मोबाइल से हम बस चीज देख लेते हैं। ऐसा आपके लिए नहीं, मैं भी ऐसा ही करता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जो 12,750 का मोबाइल है या तो आपको 13,000 या 13,500 या आप 12,500 में भी मिल सकता है बार्गेनिंग के बाद, हो सकता है 12,000 में भी मिल जाए, लेकिन हमने अभी आज तक ऐसी कोशिश करी नहीं है। डेफिनेटली अगर आप बाजार में जाओगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। वो 12,750 का जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए प्लस माइनस का होगा, यानी आपको वहां पे कोई बार्गेनिंग या कोई डिस्काउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उतने का ही मिलेगा। हो सकता है 1,000 रुपए सस्ता मिल जाए पर वहां पे कोई ऑफर आपको ईएमआई का नहीं मिलेगा, तो वहां पे आप डायरेक्टली पेमेंट करोगे और सामान ले लोगे। अब सारा जो ईएमआई का खेल है ये रचा कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है आपका ऑनलाइन रिटेलर जहां पे चीज बिकती है, और तीसरा होता है आपका बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये तीनों मिलके ऑलरेडी प्राइस जो है उसकी ऐसी सेटिंग करते हैं जहां पे देखेंगे, अगर आप जो मैंने एग्जांपल दिया था 2,250 रुपए तो चले गए बैंक को, अगर हम डायरेक्टली पेमेंट कर देते तो वो ऑनलाइन रिटेलर का फायदा हो जाता या फिर मैन्युफैक्चरर का फायदा हो जाता। पर क्योंकि ईएमआई पे लिया, अब सपोज चार बंदे थे, उस चार बंदे में एक के पास तो कैश था बाकी तीन के पास कैश नहीं था, अगर ये ऑफर नहीं होता तो उसको एक कस्टमर मिलता। मैं एग्जांपल देता हूँ, चार लोग आपके सामने हैं और जो एक चार मोबाइल मतलब एक मोबाइल पसंद आता है, सब लोग अपना अपना मोबाइल खरीदना चाहते हैं कोई भी कंपनी का हो, पर तीन के पास पैसे नहीं है पर एक आदमी के पास पैसे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो तो सीधे सीधे कैश में जाके खरीद लेगा, पर जिस तीन आदमी के पास पैसे नहीं है वो नहीं खरीद सकते अनलेस एंड अंटिल उनको ईएमआई का ऑफर ना दिया जाए। तो उसको क्या बेनिफिट क्या हुआ कि ईएमआई के चक्कर में उनकी सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई तो किसका फायदा होगा, उसमें सबका फायदा है, मैन्युफैक्चरर का भी फायदा है, ऑनलाइन रिटेलर का भी फायदा है और बैंकिंग कंपनी का भी फायदा है। पर जो डायरेक्ट जिसने खरीदा डायरेक्ट उसका बैंक से कोई लिंक नहीं रहा, तो जिसने डायरेक्ट खरीदा उसमें ऑनलाइन रिटेलर और मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट ज्यादा पहुंच गया। पर अगर उस सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कस्टमर अगर ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम में अगर आप गेम खेलोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में हमने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट शेयर कर दिया बैंकिंग कंपनी के साथ कि भैया चलो ठीक है मेरा जो 2,250 का बेनिफिट है तुम ले जाओ, तुम बेनिफिट ले लो और उसके चक्कर में मेरे पास कस्टमर ज्यादा आ गया, मुझे तो बराबर पैसा मिला, ठीक है। तो इस पूरी पिक्चर में पैसा ऑनलाइन कंपनी के पास, ऑनलाइन रिटेलर के पास, मैन्युफैक्चरर के पास पूरा पहुंचा, पर थोड़ा सा बेनिफिट मैंने एक डील करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी दे दिया, तो उससे मेरे पास नए कस्टमर ऐड हो गए, ये तीन लोग भी जाके मोबाइल खरीद लेंगे, तो एक ये बेनिफिट हो गया। और इन सब चीजों में क्या हो गया, आप जो 15,000 रुपए लेके, मैं शुरुआत में मैंने बताया कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपए हैं, मैं क्या खरीदूं, तो उसके चक्कर में मैंने ज्यादा चीजें खरीद ली, अब मुझे ज्यादा वक्त तक ईएमआई भरनी पड़ेगी, यानी मेरी सेविंग्स गई। तो मैंने उस उतावलेपन में, उस सोच में कि मैंने वो चीज चलो ईएमआई पे मिल रही है ले लो बाद में भर लेंगे, क्या है 2,000 रुपए से ज्यादा 3,000 रुपए भर देंगे, तो ये ईएमआई का जो आपका एनिमी है सबसे बड़ा सेविंग का, ये ईएमआई है, नो कॉस्ट ईएमआई। आपको ईएमआई या ऑफर देके चीजें नहीं खरीदनी है, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चीज खरीदनी है कि आपको उसको खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। ऑफर तो अगर आप देखेंगे हमेशा चलते रहते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक सीजन नहीं है कि अगर दिवाली आई है हाँ थोड़ा ज्यादा ऑफर आता है, लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल लाने वाली है ताकि वो मार्केट से वो चीज सस्ती आपको ऑनलाइन ना बेचें या मार्केट के बराबर ना बेचें, या ऐसे कोई ऑफर ना निकाले जहां पे सिर्फ ऑनलाइन ही ऑफर है, ऑफलाइन ऑफर ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, जहां पे बहुत सारी मीटिंग्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज जो है हमारी बिजनेस वगैरह की चीजें देखते हैं उनके हो रखी हैं, काफी चीजें हो रही हैं, तो वो चीज सारी ऑन द रनिंग है। तो हो सकता है कुछ समय में आपको ऐसा मिले कि ऐसे ऑफर आपको देखने को अभी ना मिले। दूसरी चीज ये कि आप ऑफलाइन निकल के देखो चीजों को, मार्केट में जाओ देखो, उनसे कंपैरिजन करो कि मार्केट में उनकी कीमत क्या है। मार्केट में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है, हैंड टू हैंड डिलीवरी मिलती है, इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। साथ में कस्टमर रिलेशन भी होता है कि अगर आप फ्रिज या टीवी लेते हो कुछ खराब होता है तो इमीडिएटली आप जाके बोल सकते हो, उसका टेक्नीशियन आके आपको इंस्टॉल भी करके देगा, सब कुछ देख के भी देगा। ऑफलाइन में होता है डेफिनेटली, पर ऑफलाइन में अगर आप बड़े प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सब होता है केस टू केस बेसिस, अगर कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता है, हाँ डेफिनेटली नहीं होता होगा, पर होता भी है, ऐसे भी इंस्टेंसेज यहाँ पे होता भी है। तो मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ कि आप ईएमआई के चक्कर में चीजें मत खरीदो, आप अपनी पॉकेट देख के, आप अपनी जरूरत देख के चीज खरीदो। तो ये कैसा लगा ये वीडियो आपको मुझे बताना जरूर, कमेंट्स में जरूर लिखना अगर कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, और अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक करना है, आपको क्या करना है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं ईएमआई के चक्कर में और आपको भी फंसाने की कोशिश करते हैं, भाई देखो ये ईएमआई आई है
खरीद लो इसको, तो उनके साथ जरूर शेयर करना, मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस। बाकी सब्सक्राइब करो, बाय बाय, ये वीडियो को करता हूँ खत्म यहीं पे। जय हिंद, वंदे मातरम।